नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं एक नज़र आज के समाचारों पर। शनिवार को भिवानी में प्रदेश के बिजली एवं जेल मंत्री श्री रणजीत सिंह चौटाला पहुंचे और अनेक स्थानों पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। यहां पहुंचने के बाद उन्होंने चेतना सदन, सांस्कृतिक सदन, अग्रसेन भवन और कोर्ट रोड स्थित डॉग फार्म पर पहुंचकर नागरिकों की समस्याएं भी सुनी। गौरतलब है कि पूरे भिवानी में भीषण गर्मी के चलते पेयजल व बिजली इत्यादि की गंभीर समस्या बनी हुई है। इसी विषय को लेकर प्रदेश के बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला स्वयं प्रदेश के लोगों के बीच पहुंचकर बिजली की समस्याओं को दूर कर रहे हैं। शनिवार को भिवानी के चेतना सदन, सांस्कृतिक सदन, अग्रसेन भवन व कोर्ट रोड पर स्थित डॉग फार्म हाउस में भिवानी के नागरिकों की बिजली से संबंधित वह अन्य समस्याओं को ध्यान से सुना और मौके पर उपस्थित संबंधित विभाग अधिकारियों को समस्याओं को दूर करने के निर्देश जारी किए। आपको बता दें कि प्रदेश के मंत्री स्वयं लोगों के बीच पहुंचकर भीषण गर्मी की परवाह ना करते हुए समस्याओं को सुन रहे हैं। प्रदेश की भाजपा सरकार का यह अत्यंत सराहनीय कदम है, ऐसा कहना है भिवानी के अनेक क्षेत्रों के नागरिकों का। हमारा 2 साल से बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस थी, कभी भी हमारी बहुत बढ़िया गुडविल थी, कभी कोई दिक्कत आई नहीं थी। आपके ये खाली हरियाणा का सवाल नहीं है, कश्मीर से लेके आंध्र तक ये बिजली के मामले में पूरे देश में थोड़ा संकट आया है। इसमें सबसे पहला कारण तो मैं ये बताऊंगा कि 15 साल का गर्मी का रिकॉर्ड टूटा, जो हम नहीं बता रहे, मीडिया बता रहे, अखबार बता रहे हैं। 15 साल से इतनी भयंकर गर्मी नहीं आई थी जो समय से पहले आ गई। हमारे यहाँ क्या होता है कि आपस में पावर ट्रांसफ़र होती है। जब सर्दियों के दिन होते हैं हमें जरूरत नहीं होती, तो केरला को, तमिलनाडु को, आंध्रा को जरूरत होती है, हम उन्हें पावर दे देते हैं। और जब हमारा मई जून का ये महीना आता है तब हम उनसे वापस ट्रांसफ़र हम करवाते हैं, क्योंकि हमारा इस वक्त पीक सीज़न होता है। अब के हमारा गर्मी जो थी वो 15 दिन सदा से पहले आ गई, उनका इफेक्ट आया, गेहूँ की फसल पर आया, सब फसलों पर आया, फ्रूटिंग पर भी आया। तो इसका हमें अंदाज़ा नहीं था, ये तो किसी को नहीं होता कि वेदर ऐसा रहेगा। नंबर दो, दिल्ली से जितनी इंडस्ट्रीज हैं, पोल्यूशन का मामला या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई, तो दिल्ली से जितनी इंडस्ट्रीज हैं, लक्कड़ मंडी है, वो सब बाहर शिफ्ट होती जा रही हैं। वो या तो गुड़गांव आएंगी या फरीदाबाद आएंगी या सोनीपत, पानीपत जा रही है। तो वो जो दिल्ली का 70% रोड है वो यूपी में 30 जा रहा है, 70% हरियाणा में आ रहा है। वो जो इंडस्ट्रीज आ रही हैं, फिर उसके बाद आप देखते हैं ग्रुप हाउसेज आ रहे हैं, रेजिडेंशियल एरिया भी इतना ही शिफ्ट हो रहा है, चाहे वो DLF है, चाहे आपका अंसल है, चाहे वो आपका यूनिट एक है या TDI है या बल्लाज है। मैं आपसे बताऊं कि हमारा अगर अडानी की हमें पावर वो रिस्टोर हो जाती है, हमारा रोटर आ जाएगा, तो कुछ नहीं, हमें 2000 MW मिलती है, कहीं इशू है ही नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले हमें 2.5 साल में सबसे बढ़िया परफॉर्म करा। मैं आपसे एक आंकड़ा दे रहा हूँ कि जब आपके मनोहर लाल जी ने टेक ओवर करा, उससे पहले हमारा 37,000 करोड़ का घाटे में था, आज हम 2,000 करोड़ रुपया प्रॉफिट में हैं। हमारा पावर डिपार्टमेंट पूरे देश में 41 डिस्कॉम कंपनीज है। हम आज से 2 साल पहले हम 15वें 17वें नंबर पे थे, आज हम उन 41 कंपनीज में हम 15वें 17वें से उठ के 5वें और 6ठे पे आ गए। 4 कंपनी जो है चारों ही गुजरात की है, वो 1 नंबर पे है। अगर स्टेट वाइज देखें तो गुजरात के बाद हम नंबर 2 पे हैं, पर 4 कंपनी को उनको गिन लो तो हम 5वें पर 6ठे नंबर पे हैं। हमारा लाइन लॉस जो था उस वक्त 31.17 था, ये तो सब चीज़ रिकॉर्डेड है, आज हम 13.46 है, 13.5 से भी कम आगे। मैं 14 जब आ जाता तो शायद मैं इसे अचंभा मानता, पर हमारा 14 से भी नीचे ले है, 13.46। हमारे यहाँ कोई कोयले की कमी नहीं है, हमारे पास देखिए फालतू कोयला नहीं हुआ करता किसी के पास। जो गाइडलाइंस है उसमें ये रहता है कि 15 दिन का स्टॉक रहना चाहिए, हमारे पास सफिशियंट स्टॉक है, हमारे रैक बराबर आ रहे हैं। ये ठीक है कि एक आधा कम आ रहे हैं, जो रोज आते थे उस फैक्ट्री से थोड़ा क्यों कोयला का संकट है कम आ रहा है, पर हमारे थर्मल्स कोयले की वजह से बंद नहीं हो गए। हम 100% प्रोडक्शन पर जा रहे हैं, बाकी स्टेट का मैं नाम नहीं लूँगा, 50% पर जा रहे हैं, उनको कारपेट कोयला बचा, हमारे पास कोयले की ऐसी पोजिशन आज तक नहीं है। हमारे पिछली बार में CM साहब से मीटिंग थी, मैं भी था, हमारे ACS MD सब थे, चर्चा हुआ, हमने एक आपस में तय कर दिया कि एक लगाएंगे, फिर उसके लिए कुछ प्रक्रिया है, उसे फॉलोअप करना पड़ता है, उसमें समय लगेगा, लगाने जा रहे हैं। सर, बिजली विभाग सोलर को बढ़ावा देने के लिए क्या कर रहा है? सोलर पूरा बढ़ा रहे हैं। मैं आपको जानकारी में आपके लाने के लिए, इसमें कुसुम योजना है जिसमें सोलर पावर प्लांट लगते हैं या फिर ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जा रहे हैं। पूरे देश में हमें 15 MW का
टारगेट दिया गया था, हमने 50 मीट आउट करा है। हम पूरे देश में कुसुम योजना में एक नंबर पे। अब आप हमें ऐसा सवाल पूछे, मैं कह रहा हूँ सोलर वाला है, ये आता है 5 एकड़ वाले किसान तक, 7 एकड़ वाले किसान तक, जो बड़े फार्म हाउसेज है उसमें ये काम नहीं देगा। इसका 4 इंच पाइप है, अब उससे वो पानी नहीं दे सकता। अब उन्हें चाहिए बड़े बड़े ट्यूबवेल कनेक्शन जो 100 फुट तक पानी निकाले। ये कैसा है जो 5 एकड़ 7 एकड़ वाला, इसमें आम छोटे ज़मींदार को ये सपोर्ट है, इसमें 30% सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 45 हम दे रहे हैं, उसके हेड पे 25% आता है, तो उसे लोगों को देने लेने में दिक्कत। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री मीना परमार ने स्थानीय गोशियान चौक क्षेत्र स्थित पुरानी अनाज मंडी से जनसंपर्क अभियान चलाया। गौरतलब है कि होने वाले नगर परिषद चुनाव के चलते तीसरे दिन भी उन्होंने अपना जनसंपर्क अभियान जारी रखा और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया। गौरतलब है कि जल्द ही नगर परिषद चुनाव होने वाले हैं, इसी कड़ी में भाजपा की महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री मीना परमार ने अपना जनसंपर्क अभियान प्रारंभ कर दिया है। उन्होंने कहा कि आज उनके जनसंपर्क अभियान का तीसरा दिन है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी के आदेशानुसार भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता नगर परिषद चुनाव को लेकर सक्रिय हो गया है। उसी कड़ी में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री होने के नाते भाजपा की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आम जनता ने बीजेपी के प्रति अपना क्रेज स्पष्ट कर दिया है। देखिए, जैसा कि सभी को विदित है कि भिवानी नगर परिषद चुनाव की जो सरगर्मियाँ हैं वो तेज हो चुकी हैं और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने काम पे लग गया है। संगठन की तरफ से जो यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, उनके दिशा निर्देश के अनुसार भाजपा का हर कार्यकर्ता वार्ड अनुसार काम कर रहा है और उसी के तहत महिला मोर्चा की एक जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते, भाजपा की कार्यकर्ता होने के नाते, मैं भी आज जनसंपर्क अभियान के तहत भिवानी नगर परिषद में काम कर रही हूँ और आज सराफा बाजार में और पुरानी अनाज मंडी में मेरा जनसंपर्क चल रहा है। लगातार आज तीसरा दिन है, लोगों का अपार स्नेह मुझे मिल रहा है और आशीर्वाद मिल रहा है। लोगों में भाजपा के प्रति क्रेज है और भारतीय जनता पार्टी को भिवानी की जनता चाहती है कि ट्रिपल इंजन की सरकार भिवानी के अंदर बने। देखिए, मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और अगर पार्टी ने मुझे आदेश दिया, पार्टी का मुझे आशीर्वाद मिला, तो निश्चित तौर पर एक राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं भिवानी वासियों की इस लड़ाई को जरूर लड़ूंगी। हरियाणा में आम आदमी पार्टी की लहर है और आने वाला समय आप पार्टी का है, यह कहना था पूर्व सांसद व आप पार्टी के नेता डॉक्टर अशोक तंवर का। भवानीखेड़ा के गांव जमालपुर में आयोजित भाईचारा सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि आने वाले समय में आपकी जीत पक्की है। अपने संबोधन में डॉक्टर अशोक तंवर ने बीजेपी सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि बीजेपी की गलत नीतियों के कारण ही आज देश की अर्थव्यवस्था खराब हो गई है। आज देश में बिजली संकट काफ़ी गहरा गया है, जिसका कारण बीजेपी के निजीकरण की नीति के कारण आज देश में बिजली बनाने के लिए मात्र एक दिन का कोयला बचा है। उन्होंने कहा कि आज अडानी और अंबानी जैसे लोगों के पास सारी संपदा का एकाधिकार हो गया है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की किस्मत खराब है। उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा का नाम लिए बिना कहा कि 2 दिन पहले फिर से कांग्रेस ने अपनी बागडोर बेईमान व भ्रष्टाचारी लोगों को सौंप दी है। पत्रकारों को बात करते हुए उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल 29 मई को कुरुक्षेत्र की रैली में शंखनाद कर हरियाणा में आम आदमी पार्टी की जीत की नींव रखेंगे। कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष व संगठन बनाए जाने के सवाल पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने संगठन ही बनाना होता तो पहले से बना लेते। भवानीखेड़ा के गांव जमालपुर में हमारे सभी साथियों ने आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं हिंदुस्तानी जी, और उसमें एक ही संकल्प लिया कि अगर हम भाईचारे को बनाए रखना चाहते हैं, अगर हम देश और प्रदेश की तरक्की चाहते हैं, आम आदमी का राज चाहते हैं, 29 तारीख को बड़ी रैली वो कुरुक्षेत्र के मैदान में होगी। केजरीवाल जी हनुमान जी वहाँ पर पहुँचेंगे। व्यवस्था परिवर्तन करके हम अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सबका पॉजिटिव बात करेंगे। कल उसका हमने जवाब दे दिया, उनके बारे में चिंता छोड़ दो जिसके बारे में देश ने चिंता करनी छोड़ दी, जिन्होंने अपनी चिंता करनी खुद छोड़ दी, उनकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आने वाला समय आम आदमी का है और उसी के लिए मैं समझता हूँ कि सबको संघर्ष करना चाहिए और वही जो है आने वाले समय में विकल्प भी है, विपक्ष भी है और भविष्य भी इस प्रदेश की राजनीति को दिशा देंगे।
नहीं संगठन हम तो अपना संगठन खड़ा करना है, उन्होंने खड़ा करना होता तो बहुत पहले कर लेते, उनको जरूरत ही नहीं संगठन की। तो अब आम आदमी पार्टी गांव गांव में अपने लोगों को जोड़ने में लगी हुई है, उन लोगों के माध्यम से संगठन की बनाने की प्रक्रिया जारी है और आने वाले समय में चाहे प्रदेश स्तर पर हो, चाहे जिले के स्तर पर हो, चाहे देश के स्तर पर हो, मैं समझता हूँ कि एक ही लोगों के मन में ये विश्वास और लोगों को जमती बात है कि भाई हम केजरीवाल जी के साथ चलेंगे तो देश बचेगा, देश का भला हो सकता हो, और यही सोच करके सब लोग जो पूरे हरियाणा के अंदर आप लहर दिखाई दे रही है और धीरे धीरे जो है वो पार्टी की गतिविधि और बढ़ती है। नगर में पेयजल की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। स्थानीय बीटीएम चौक स्थित बूस्टिंग स्टेशन पर वार्ड नंबर 31 के अनेक कॉलोनीज के निवासी एकत्रित हुए और बिजली व पानी की समस्या को लेकर अपना रोष जताया। पार्षद बलवान सिंह का कहना था कि अनेकों बार अधिकारियों को इस समस्या से अवगत करवाने के बाद भी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से शहर में पेयजल व बिजली की समस्या बनी हुई है। इसी समस्या को लेकर क्षेत्रवासियों ने आज बूस्टिंग स्टेशन के निकट अपना प्रदर्शन किया। आज के प्रदर्शन में पार्षद बलवान सिंह ने बताया कि पिछले कई दिनों से क्षेत्रवासियों को पीने के पानी की समस्या बनी हुई है, जिससे परेशान निवासी कई बार अधिकारियों की शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उन्हें मजबूरी बस धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। जैसे ही गर्मी शुरू हुई है पानी की बहुत समस्या है। आज मैं वार्ड का बूस्टर के आगे खड़ा हूँ जिससे 3 दिन आज पानी आए हुए होंगे। आप गर्मी में ये अंदाजा लगाओ, पानी जब पीने का पानी नहीं मिलेगा लोगों को तो आगे तो बहुत ज़्यादा गर्मी आने वाली है, तो लोग कैसे जिएंगे ये बताओ। भाई ये बूस्टर है कम से कम 1000 घरों को पानी देता है, तो अभी 1000 घरों में आदमी देख लो 4-5 हज़ार तो आदमी रहते हैं, तो 4-5 हज़ार मरीज जो ऑफिस में जाते हैं पानी उनको नहाने के लिए भी चाहिए, बर्तन वगैरह धोने के लिए भी चाहिए, पीने के लिए भी चाहिए। तो पानी मूलभूत सुविधा है, वही सरकार नहीं दे सकती तो क्या देगी फिर। हम मांग यही करते हैं बिजली, जब पानी आता है तो बिजली नहीं आती और बिजली आती है तो पानी नहीं आता, तो हम सरकार से यही मांग करते हैं जब पानी की सप्लाई एक मेन समस्या है लोगों के लिए, उसके लिए 24 घंटे बिजली रहनी चाहिए पानी की सप्लाई के। पानी को नहीं आ रहा अभी, अगर कौन सा नहीं पानी आज 2-3 दिन तो बिल्कुल पानी नहीं, तो बच्चे परेशान हो रहे, हम परेशान, बिजली नहीं आ रही, बिजली की भी समस्या पानी की भी समस्या, तो ये बताओ हम कहाँ जाएं, पानी किस किस के घर जा जा कर मांग कर लाए हम पानी। हाँ किसे का भी कौन बाल्टी, किसे का एक बाल्टी तो पानी लिया हुआ, किसे का घर में पानी नहीं है। मारे 3-4 दिन हो गए कती है कोई नहीं आंदा, चित जावा पानी से क्या क्या समस्या है, पानी नहीं सारी ये चीजें की है, पानी बिना लाइट की भी सैर पानी की भी। चिरंजी कॉलोनी में पानी नहीं आ रहा जी 1 हफ्ते से, हाथ धोने के लिए भी पानी नहीं है, बहुत परेशान से हो रहे हैं। लेबर कॉलोनी में भी नहीं आ रहा, हम बहुत दुखी हो रहे हैं जी, और हमारी है ना जय साहब भी नहीं सुनाई कर रहे, हम 1 हफ्ते से बहुत दुखी हो रहे हैं। स्थानीय दादरी गेट क्षेत्र स्थित पानी की टंकी के पास बिजली का खंभा टूटा हुआ है, जिसकी शिकायत क्षेत्रवासी विभाग से अनेकों बार कर चुके हैं, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। यह कहना था क्षेत्र के निवासियों का, जहां बिजली का खंभा हादसों को निमंत्रण देता हुआ नजर आ रहा है। गौरतलब है कि दादरी गेट क्षेत्र के पास बनी पानी की टंकी के निकट टूटा हुआ बिजली का खंभा किसी अनहोनी को आमंत्रित कर रहा है, यह है कहना आसपास के नागरिकों का। उन्होंने बताया कि वे इस बिजली के खंभे की बदलने की शिकायत कई बार अधिकारियों को कर चुके हैं, लेकिन विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। शनिवार को नागरिकों ने अपनी समस्या हल नहीं होने पर रोष व्यक्त करते हुए इसे दूर करने की गुहार लगाई। सर ये दादरी गेट पानी की टंकी नजदीक बालाजी बिस्कुट बेकरी, सर ये 8-10 दिन हो गए हैं और खंभा टूट गया है जी, जय साहब को भी कई बार फ़ोन कर दिया जी, जय साहब भी आजकल और बिजली बोर्ड में भी अप्लीकेशन दी थी जी, वे भी सुनवाई नहीं कर रहे जी, और जान का खतरा है जी, करंट लगने का डर है जी, तो बाकी हम चाहते हैं जल्द जल्द से ठीक करवाया जाए जी। काम है छोटे छोटे बच्चे हैं और छोटा हमारा एक छोटा कमरा वहाँ जंगला खुला हुआ है, कोई बच्चा चिपक के चिड़िया को चिपक के सो जाए तो क्या करें, और तार नीचे लटके हुए हैं, शनिवार को लिटिल हार्ट्स पब्लिक स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जहां एक ओर बच्चों को इस दिवस के बारे में जानकारी दी गई, वहीं बच्चों ने विद्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित करते हुए विभिन्न उपहार भी प्रदान किए।
इस अवसर पर मैनेजमेंट और स्टाफ मेंबर सभी मौजूद रहे। इस अवसर पर विद्यालय के MD पवन गोयल व भावना गोयल ने बताया कि बच्चों ने विद्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों का सम्मान करते हुए विभिन्न उपहार प्रदान किए हैं। विद्यालय के निदेशिका ऐश्वर्य सिंघल व निदेशक राम सिंघल, राहुल गोयल, निश्चल गोयल ने बच्चों को बताया कि श्रमिकों द्वारा किए गए संघर्षों व उनके द्वारा दिए गए योगदान की स्मृति में हर वर्ष 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर प्राचार्य दीपक जोशी, प्राचार्य वीना सेठ, ज्योति, कविता इत्यादि विद्यालय का पूरा स्टाफ उपस्थित रहा। 1 मई को इंटरनेशनल वर्कर्स डे होता है एंड उसी श्रृंखला में आज हमने लिटिल हार्ट्स ग्रुप ऑफ स्कूल्स में हमारी तीनों ब्रांच में इंटरनेशनल वर्कर्स डे सेलिब्रेट किया है। एंड बच्चे इसमें जो भी हमारे स्कूल में नॉन टीचिंग स्टाफ 4th ग्रेड स्टाफ है उनके लिए टॉफ़ीज़, फ्लावर्स, बिस्किट्स एंड बहुत सारी ऐसे मटेरियल लेकर आए जो वो उनको दे सकते हैं। एंड उन्हें लेकर भी वो लोग भी बहुत खुश हुए कि उनको इतना सम्मान दिया गया एंड बच्चे भी बहुत खुश थे उनको ये चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करके। तो बेसिकली इस चीज़ का सबसे बड़ा पर्पज़ यही था कि इस एक्टिविटी को करवाने का पर्पज़ यही है कि हम बच्चों में ये भावना जागृत करें कि कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, हमें हर किसी की हेल्प करनी चाहिए, हमें हर किसी को सपोर्ट करना चाहिए। एंड जो वर्कर्स होते हैं वो हर किसी ऑर्गेनाइजेशन की नींव होते हैं, एक पिलर के समान होते हैं और हम उस पिलर की उसी तरह से सपोर्ट करते हैं जिस तरह से वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। मैं सभी वर्कर्स को बधाई देना चाहूँगी और आप सभी इस डे के काबिल हैं एंड बहुत हार्ड वर्किंग है। थैंक यू सो मच। आप स्थानीय जैन चौक क्षेत्र में तेलीवाड़ा स्थित सिद्धों की मंडी में जय शिव सेवा समिति के तत्वावधान में श्री गरुड़ महापुराण कथा सप्ताह में वृंदावन धाम से पधारे डॉक्टर स्वामी उमानंद ने कथा का वर्णन करते हुए अनेक तरह से जीवन साधना के तरीके बताए। इस अवसर पर नगर के अनेक प्रबुद्ध नागरिक मौजूद रहे। धाम से पधारे डॉक्टर उमानंद स्वामी ने श्री गरुड़ महापुराण कथा का वर्णन करते हुए कहा कि जीवन में अनुगत्य और अभ्यागत्य होने का भाव होना चाहिए। अनुगत्य का अर्थ है कि किसी बुद्ध पुरुष की शरण में जाना। जीवन के अनेक अवसरों पर जब हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाते तब किसी बुद्ध पुरुष के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। जीवन के बाद भी एक संसार है और हमें दोनों के लिए तैयार होना है। मृत्यु के बाद की घटनाएँ इस पर निर्भर करती है कि जीवन को हमने कैसे जिया। हमारा जीवन भी ठीक से बीत जाए और जब हम इस संसार से विदा लें तब हमारे चेहरे पर पूर्ण संतुष्टि हो। इस कला को सीखने के लिए किसी बुद्ध पुरुष का अनुगत्य आवश्यक है। इस संसार में हम मेहमान हैं और हमें वापस भी जाना है। यही भाव अभ्यागत है। संसार में किसी का स्थायी अधिकार नहीं रहा है। हमारी समिति जय शिव सेवा समिति ने श्री गरुड़ महापुराण का यज्ञ किया था। 7 दिन का था ये, 24 तारीख से शुरू हुआ था। हमारा ये विचार था कि इस पुराण के बारे में जो भ्रम और अंधविश्वास हैं कि इसको जीते मरने के बाद पढ़ना चाहिए, हम उसको दूर करना चाहते थे। जबकि शास्त्र में क्लियर लिखा हुआ है कि इस शास्त्र को जीते जी पीना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जो जीते जी पढ़ गया उसको फिर किसी गरुड़ पुराण की कोई दान दक्षिणा की किसी की चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती और वो निश्चित ही उसका मोक्ष निश्चित है और उसके घर से कभी लक्ष्मी जी जाती नहीं। और इसी उद्देश्य को लेके हमने ये यज्ञ करवाया था 7 दिन का। आज तर्पण का प्रोग्राम रहा है। तर्पण का मतलब पितृ तर्पण। श्री गया जी से पुरोहित आए हुए हैं, विद्वान पुरोहित हैं और उन्हीं के द्वारा तर्पण करवाया जा रहा है। 100 से भी ऊपर लोगों ने तर्पण किया, विधि विधान से तर्पण हुआ है। नमस्कार। आज मढ़ी तेलीवाड़ा में गरुड़ पुराण के 7वें दिन पितृ तर्पण का कार्यक्रम रखा गया है। पितृ तर्पण का अर्थ है पितरों के निमित्त तृप्ति करना। पितरों की तृप्ति के लिए आज लगभग 100 से ज़्यादा लोगों ने पितृ तर्पण किया है और बड़े सौभाग्य की बात है कि भिवानी में गया जी से आए पुरोहितों ने पितृ तर्पण कराया और लोक कल्याण का कार्य किया। हमारे संग बस इतना। अगले के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।